उनका जैसा नजरिया होता है नजारा भी वैसा ही होता है। बॉलीवुड हमारे संस्कृति का नाश करना चाहता है। भगवा कलर के कपड़े पहनाकर उसको कहा जा रहा है कि बेशरम रंग। मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने हमारे देश में क्राइम कैसे करना चाहिए वो सिखाया है। मुझे किसी ने वो दृश्य दिखाया है, वो देख नहीं सकते आप, इतना गंदा। भारत की रोटी खाते हो, भारत की संस्कृति का अपमान करते हो। जिनकी जैसी दृष्टि होती है उनका जैसा नजरिया होता है नजारा भी वैसा ही होता है। हमने पहले ही कहा है बॉलीवुड हमारे संस्कृति का नाश करना चाहता है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मेरी संस्कृति पर कुठाराघात करे उसके लिए मैं 100% अगेंस्ट हूं उसके। एक लंबी सी लड़की है, छोटे से कपड़े पहनाकर, वो भी भगवा कलर के कपड़े पहनाकर, उसको कहा जा रहा है कि बेशरम रंग। एक 60-65 साल का है जो मेकअप कर करूं कि थोड़ा सा अपने आप को ठीक दिखाने का प्रयास करता है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि व्यासपीठ अलाउ नहीं करती, ऐसे लोगों का नाम मैं यहां से लूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा सभी देशवासियों से, सनातनियों से, जो तुम्हारे कल्चर का अपमान करे ऐसे लोगों का तुम कभी सम्मान मत करो, उन लोगों को इग्नोर कर दो बस। उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये भी मत सोचो चलो देखते हैं क्या है, बाढ़ में जाओ, नहीं देखते, क्यों देखें। मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने हमारे देश में क्राइम कैसे करना चाहिए वो सिखाया है। बॉलीवुड ने सिखाया है कैसे जवान लड़के पथभ्रष्ट हो सकते, ये सिखाया है। अपने धर्म पर उंगलियां उठाना बॉलीवुड ने सिखाया है। अपने मां बाप की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करना बॉलीवुड ने सिखाया है। क्या ऐसे बॉलीवुड को मुझे कुछ दिन के लिए अगर कह दिया जाए तुम बॉलीवुड के विषय में क्या कहना चाहोगे, क्या करोगे, तो मैं तो कहूंगा मेरे भारत में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा भारत इसे ऐसे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता। हम भारतीय हैं, हम लोग बाहरी थोड़ी हैं। महाराज मुझे किसी ने वो दृश्य दिखाया है, वो देख नहीं सकते आप, इतना गंदा। ऊपर से भगवा रंग, ऊपर से बेशरम रंग। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। भारत की रोटी खाते हो, भारत में ही बड़े बनते हो और भारत की ही संस्कृति का अपमान करते हो, भारतीय नौजवानों को गलत मार्ग दिखाते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो आई एम टोटली अगेंस्ट देम जो मेरी भारतीय संस्कृति का अपमान करता है। और मुझे ही नहीं, जिसने सनातनी माँ का दूध पिया है उन सबको उसका विरोध करना चाहिए कि यह संस्कृति हमारे भारत में नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो युवाओं से मेरा निवेदन, इग्नोर देम, उन्हें इग्नोर करें, अपनी संस्कृति का दर्शन करें, उसका प्रदर्शन करें। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही है सच्चे सनातनी की पहचान, ये होना चाहिए।